नजर गई तो पान के दो पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं, और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी, पान के पत्ते के आकार पर कलाकृति के पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है तखाने के दरवाजे के ठीक तरफ। हाँ, दो टॉर्च और दो। टीम आगे बढ़ती है। चूंकि तहखाना था तो यहाँ रोशनी और हवा दोनों की कमी थी। पसीने से लथपथ टीम का कैमरा जब आगे बढ़ा तो नजर आए दीवार में कुछ बड़े आकार, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें ईंटों के सहारे बंद किया गया हो। जिस वक्त कैमरा इन बड़े आकारों को शूट कर रहा था, उसी वक्त टीम का एक सदस्य जानकारी दे रहा था कि ये आकार दरअसल अर्ध गोलाकार दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया। ऐसे एक नहीं बल्कि तीन दरवाजे वीडियो में कैद हुए हैं। ये हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है और ये भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी, जिसकी जानकारी खुद मुस्लिम पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम कराया गया है। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कभी कोई पदार्थ लगाया गया था, जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। इस सतह पर भी कुछ आकार नजर आए। ये है फटा हुआ एरिया, जो ये फटा हुआ एरिया जो है पूरा डिजाइन है। इसको क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको राणा भाई, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। टीम आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ तहखाने से जुड़ी जगह के सच सामने आते गए, और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था स्तंभ। अंदर बढ़ने के कुछ ही देर बाद एक टीम को एक स्तंभ मिला, और इस खंभे पर थे ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं। चूंकि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा, क्या ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति की प्रतीक हैं? ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गईं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है तो मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के दावे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। ठीक है ना? ये प्रोफाइल दिखाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार, जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से, और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया पान का पत्ता।
कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के दो पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं, और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी, पान के पत्ते के आकार पर, पान के पत्ते के आकार पर कलाकृति पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है तखाने के दरवाजे के ठीक तरफ। हाँ, दो टॉर्च और दो। टीम आगे बढ़ती है। चूंकि तहखाना था तो यहाँ रोशनी और हवा दोनों की कमी थी। पसीने से लथपथ टीम का कैमरा जब आगे बढ़ा तो नजर आए दीवार में कुछ बड़े आकार, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें ईंटों के सहारे बंद किया गया हो। जिस वक्त कैमरा इन बड़े आकारों को शूट कर रहा था, उसी वक्त टीम का एक सदस्य जानकारी दे रहा था कि ये आकार दरअसल अर्ध गोलाकार दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया। ऐसे एक नहीं बल्कि तीन दरवाजे वीडियो में कैद हुए हैं। ये हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है और ये भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी, जिसकी जानकारी खुद मुस्लिम पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम कराया गया है। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कभी कोई पदार्थ लगाया गया था, जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। इस सतह पर भी कुछ आकार नजर आए। ये है फटा हुआ एरिया जो है? ये फटा हुआ एरिया जो है पूरा डिजाइन ऐसे ही है। ऐसे क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको राणा भाई, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। टीम आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ तहखाने से जुड़ी जगह के सच सामने आते गए, और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था, स्तंभ। अंदर बढ़ने के कुछ ही देर बाद एक टीम को एक स्तंभ मिला और इस खंभे पर थे ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं। चूंकि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा, क्या ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति की प्रतीक है? ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गईं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है तो मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के दावे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। ठीक है ना? ये प्रोफाइल दिखाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार, जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से, और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया
पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के दो पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं, और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी, पान के पत्ते के आकार पर, पान के पत्ते के आकार पर कला के पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है तखाने के दरवाजे के ठीक पूरब तरफ। हाँ, दो टॉर्च और दो। टीम आगे बढ़ती है। चूंकि तहखाना था तो यहाँ रोशनी और हवा दोनों की कमी थी। पसीने से लथपथ टीम का कैमरा जब आगे बढ़ा तो नजर आए दीवार में कुछ बड़े आकार, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें ईंटों के सहारे बंद किया गया हो। जिस वक्त कैमरा इन बड़े आकारों को शूट कर रहा था, उसी वक्त टीम का एक सदस्य जानकारी दे रहा था कि ये आकार दरअसल अर्ध गोलाकार दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया। ऐसे एक नहीं बल्कि तीन दरवाजे वीडियो में कैद हुए हैं। यह हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है और यह भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी, जिसकी जानकारी खुद मुस्लिम पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम कराया गया है।